तो गाइस नॉर्मली जैसे लोग बिहू मनाते हैं तो वैसे ही घरों में जाके डांस करते हैं और मतलब इस खुशी को मनाते हैं। दरअसल ये एक प्रकार का त्यौहार है जिसमें जब किसान एक नई फसल की तैयारी कर रहा होता है और पुराने फसल जो बची होती है उस फसल का मतलब एक प्रकार का जश्न है ये। तो ऐसा कुछ होता है असम के छोटे छोटे गांव या शहरों में, लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, डांस करते हैं, खुशियां मनाते हैं और इस डांस को जब किसी के घर में करते हैं तो वहाँ पर उनको भोजन करवाया जाता है, थोड़ी बहुत धनराशि दी जाती है। तो इसी तरह से आप मतलब पूरे असम में आपको देखने को मिल जाएगा बिहू का। কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল গৃহস্থ কুশলতে হরি বল পাখি হরাব পাবলে গজাব পার পুত্র পুত্র নিধন নিধন হয় বোলে তেনেধরণত আহি আজি সেবকসকলে আজি সেই মহান মহান রাইজ বৈকুণ্ঠৰ পাৰিষদ বুলি এই বিহুৱা দলকে আজি আমি বোলে গৃহবাসীৰ মাজতে আছোঁ
ইয়াতে আমাৰ স্বামী চৰকাৰৰ লগতে চাকৰি কৰে তথাপিতো তেওঁৰ গ্ৰহগতি দুখৰ কাৰণে সেই এক্সিডেণ্টটি হৈ পেলাই বহুত तो जी हाँ मिसिंग कल्चर का ये असली वाला मतलब ये मेन ड्रिंक है मिसिंग कल्चर का मेन ड्रिंक है। तो भाई साहब हम लोग मतलब ये राइस बियर है और मतलब मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाला हूँ राइस बियर, तो थैंक यू सो मच। और बिहू के मतलब बिहू के इस मौके पे भाई मतलब ये चीज तो बनता ही है, और थैंक यू सो मच आप लोगों को और हैप्पी बिहू। अच्छा कोई दिक्कत नहीं। तो भाई साहब मतलब ये अनुराग भी पहली बार मतलब कोई किसी भी प्रकार का जो क्या बोलते हैं अल्कोहल बोल सकते हैं, लेकिन ये एक मिसिंग कल्चर का बहुत ही अचूक अंग है। तो भाई साहब अनुराग तैयार ये ट्राई करने वाले हैं, तो मैं फर्स्ट टाइम इसे ट्राई करने वाला हूँ, देखता हूँ इसका टेस्ट कैसा है। मीठा फल है, लाला स्वाद मिलेगा। कैसा लग रहा है? मस्त लग रहा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो भाई साहब अनुराग को भी बहुत सही लगा। इसी प्रकार से छोटे छोटे गांव में मनाया जाता है और लोग एक दूसरे के घर जाते हैं और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ इस त्योहार को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो आप कुछ बताएंगे बिहू के बारे में? बिहू असम के फेस्टिवल है, उसके बिना हम लोग नहीं जी पाते हैं। बिहू हम लोग का जान है ये। तो चलिए थैंक यू सो मच, और मतलब बहुत अच्छा लगा यार इन लोग का डांस देखिए। यहाँ पर हम लोग जस्ट आ रहे थे अभी सेलिब्रेट करके रंगघर से, तो मैंने सोचा कि ज़रूर रिकॉर्ड करना चाहिए और एक ऐसा पहलू बताना चाहिए जो नॉर्मली मतलब लोग नहीं दिखाते हैं। छोटे छोटे घरों में जो सेलिब्रेशन होता है वो लोग नहीं दिखा पाते, तो हमने सोचा कि इस वीडियो के थ्रू हम आपको ज़रूर बताएं कि नॉर्मली जैसे घर में लोग कैसे सेलिब्रेट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी हुई तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और धन्यवाद।